You don't need to be rich to campaign effectively. That seems to be the message of a second-year graduation student at Fatehpur Sikri in western Uttar Pradesh. She started a campaign with 30,000 rupees, full of optimism and hope, but it's now down to 10,000 rupees. But she continues to insist her effort will not be in vain. मुझे बताइए, क्या सोच के आपने डिसाइड करा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए इस बार? सोचा कुछ नहीं, मेरे गांव की जो परेशानियां थी, हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ ना स्कूल है, इंटर स्कूल है, ना ही कोई डॉक्टर है। हर चीज़ के लिए, आई मीन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। खासकर लड़कियों को, महिलाओं को अपने भाई या फादर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, अकेले नहीं जा सकते, 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। और 21st सेंचुरी में ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं। तो इसी बस यही सारी चीज़ें सोचकर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद कोशिश करूँगी एक छोटी सी। तो इलेक्शन लड़ना तो इतना आसान है नहीं, ये पैसे लगते हैं, तैयारियाँ होती है, तो वो कैसे चल रहा है? वो सब मैंने सोचा नहीं है, जो भी मेरे पास था, जितना था मैं उसी से कर रही हूँ। मैंने कितना था आपके पास? कितने मेरे पास 30 या 40,000 के समथिंग थे। अभी मेरे पास शायद 10,000 बचे हैं, बाकी मेरा खर्च हो चुका है। तो उसी से मैं कर रही हूँ, जितना हो सकेगा। कोशिश है मेरी एक छोटी सी, जितना हो सकेगा मैं करूँगी।